शांति। आज की तारीख है 9/10/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? तो उत्तर है, बाबा राय देते कि बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान, ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा और तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप, सर से उतरेगी गठरी पाप की। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नंबर दो, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान शिव सतगुरु का, अनाशक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कई बच्चे लौकिक कर्म, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कर्म में फ्राक दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे की ही महिमा योग्य है। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।